सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र रावत। जैसा कि आपको पता है कि 25 मई को हमारे देश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो आगे चलकर जो है इस देश के अच्छे नागरिक बने और सभी मतदान करें। इसी कड़ी में आज हमारे विद्यालय राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल किनाना के अंदर भी इसी के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। आइए मैं सीधा आपको इसके लिए अंदर लेकर चलता हूँ। ये हम सब की जिम्मेदारी है और जो व्यक्ति ज्यादा बिजी होते हैं तो उनको आप समझाएं कि वोट से ही हम अपनी मनपसंद की सरकार चुन सकते हैं। वैसे पीछे हम ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करी सरकार, वो नहीं करी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार अगर हम वोट डालने तक सिर्फ एक किलोमीटर तक, एक बल्कि एक किलोमीटर भी मन ज्यादा भूल गया, उससे भी कम का जो स्थान है वहां नहीं जा सकते, तो फिर आप ये अंदाजा लगाओ हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि ये सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम जब अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते हैं तभी हम सामने वाले पर उंगली उठा सकते हैं कि लोकतंत्र में ये सरकार को जनता के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर हम अपने वोट पर अपनी उंगली करेंगे तो बेटा फिर वो हम अपना अधिकार खो देंगे। मैं इसके बारे में आपसे कुछ नारे बुलवाऊंगी, आप उनका उच्चारण करना मेरे साथ में। जनतंत्र का आधार, जनतंत्र का अधिकार, जनतंत्र का आधार लोकतंत्र मजबूत बनाना है, लोकतंत्र मजबूत बनाना है, जनतंत्र का आधार, जनतंत्र का आधार वोट का अधिकार। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का वोट बन चुका है वो अपना वोट डालिए, जिनका नहीं है आसपास में कोई भी जिनको आप जानते हो वोट डालने में असमर्थ है उसको आप लिंगों तक पहुंचाएं, और जिनके पेरेंट्स ज्यादा बिजी है उनको बताएं कि वोट डालना कितना जरूरी है। लोकतंत्र के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, उस दिन चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी काम पर गए हुए हो उनको बताओ कि आज आप एक घंटे के लिए बीच में आकर के वोट डालने जरूर जाएं। मतदान के बारे में बताना था आपसे, धन्यवाद।